वाले में ऐसी आम बात है, मतलब ये जो ये उग रहा है, और तो इसका हम ऐसा कोई अच्छा वैसा प्रयोग नहीं करते। सिर्फ बीज बहुत चीजों काम आता है, उसका जो बीज होता है वो बहुत सारी चटनी। चटनी चटनी में काम आता है, प्लस क्या कहते हैं ठंड है इसलिए क्या कहते हैं भूज के, गेहूं के साथ भूज के हाँ वो खाते हैं। खेत के ही गेहूं होते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं उसको भूज के खाने में। उसको ओम बोलते हैं, ओम ओम गेहूं की बाली को क्या कहते हैं, जो पक्की बाली जो रहती है उसको उसको काट के उसको भूज दिया जाता है, जिसको ओम बोलते हैं, और गेहूं निकाल के। अच्छा गाइस आपको और इसमें एक हमारे मामा है जो काला रंग का जो सोयाबीन होता है उसको भत बोलते हैं, उसको भी भूज के खाया जाता है। तो गेहूं भांग के बीज और भट भट मतलब काला सोयाबीन सोयाबीन है, इसको भूज के खाया जाता है, चने जैसे खाया जाता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, गर्म होता है। ये जो पत्थर दिख रहे ना, ये पत्थर इससे यहाँ के हर एक घर इसी से बना है, इसी पत्थरों से बन के इसका प्रयोग किया है। ये जो पत्थर है ये माइकासिस्ट है। हाँ माइकासिस्ट ओके, ये बहुत होता है। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो फर्श जैसे पत्थर निकलता है, जिसके क्या कहते हैं मकान के ऊपर क्या कहते हैं छाने का काम होता है, जिसको पटाल बोलते हैं गढ़वाली में, पटाल। और ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये पत्थर एक्चुअली ये क्वार्ज है, क्वार्ज खनिज है, जो कि सेरेमिक में और क्या कहते हैं स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। और ये क्या कहते हैं यहाँ उत्तराखंड बहुत होता है। हाँ स्टील इंडस्ट्री में काम आता है ये। और क्या कहते हैं ये जो है ये अपने उत्तराखंड में बहुत होता है, इसके पहाड़ के पहाड़ होते हैं। और क्या कहते हैं ये कई बार जगह जो पहाड़ खिसक जाते हैं तो उसके क्या कहते हैं पूरे जो नीचे तक गिरे रहते हैं, ऊपर से नीचे तक गिरे रहते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वार्जाइट है ये, और जो कि और ये क्वार्ज है ये माइकासिस्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। ये चमकदार जो है माइकासिस्ट है, उसके साथ एसोसिएशन में है ये। तो ये इसको किसको मिला होगा तो टाके मार दिया, वो तो आपने वहाँ पर रख दिया। ये बहुत ही आम बहुत मिलता है इसको, वही यहाँ आम बात है जहाँ से कहा वही रख दिया। और ये जो है क्या कहते हैं इसको क्या ये इसको निकाल के एलिवेशन का काम आता है, इसको दीवार में लगाते हैं एलिवेशन का काम आता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। और इसकी जो बड़ी जो फर्श जैसा होता है उसको क्या कहते हैं पटाल बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं छत के उछाने का काम आता है। वैसे मामा जी आप सब मकान बन चुके पक्के, पर जो अभी भी गाँव में जो है ये पत्थर पुराने इसी से बने, इसी से बने साइज रखा, जो कि माइकासिस्ट है। और क्या कहते हैं ये बहुत ही सुंदर होता है। मामा जी मेरे पास तो 12th में आज थी, पर आपका साइज थी ज्यादा नॉलेज आपको है मामा जी अपने। अच्छा अच्छा मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, मामा जी की जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, हाँ जिला खनिज अधिकारी का, हाँ तो मामा जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जियोलॉजी में क्या कहते हैं BSc ओके भूगर्भ शास्त्र, तो इसलिए मामा जी को ज्यादा ज्ञान है। रॉक माइनिंग रहती थी, कोल माइनिंग सब सारा ही होता है, सारा हमारे उसमें सब आता है। ओके जो भी आएगा हमारे परमिशन से। अच्छा माइनिंग के परमिशन से ही होता, किसी हर स्टेट के एक माइनिंग। अच्छा 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 उनका एक माइनिंग विभाग होता है, ओके वही परमिशन देता है, उसके परमिशन से ही कोई। तो मामा जी इसकी भर्ती निकलती है, है? इसकी भर्ती निकलती है अलग से, हर स्टेट के होती है अलग स्टेट की, हर स्टेट भर्ती होती है। तो इसमें भी फॉर्म निकलते हैं ऑनलाइन वगैरह, कैसा क्या होता है इसमें? नहीं वो उनके अपने भर्ती ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। हाँ तो गाइस और इससे जो इससे इसको सुखा के बिच्छू खा से और इसको 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 सुखा के सब्जी खाते नहीं, इसकी सब्जी खाते हैं, सब्जी बहुत अच्छी होती। और वो भी क्या कहते हैं गाथ बोलते हैं, यहाँ गाथ ये क्या कहते हैं दाल होती है उसके साथ खाते हैं। मैंने आज तक खाई नहीं है ये बहुत। और इसका एक और खासियत है, इसको सुखा के इसके पत्तों को सुखा दिया जाता है, उसको पटोर दैट इज कॉल्ड नेटल टी, और जो कि क्या कहते हैं 40 से 50 हजार रूपए किलो पे बिकती है। इसका कोई बिजनेस करे ना तो दैट इज नेटल टी, और वो जो है 40 से 50 हजार रूपए किलो में बिकती है। अरे हमारे यहाँ के जो हमारे यहाँ से यदि कर देना तो हमारे यहाँ तो वो नेचुरल है, इसमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं है, इसमें कोई इंजेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, तो बहुत शुद्ध है ये। और ये कम से कम 50 हजार रूपए किलो दिखेगी। कंडाली जिसको हम गढ़वाली में कंडाली कहते हैं, कंडाली बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं कंडाली गढ़वाली में। और जो बच्चे बदमाशी करते हैं उसको पिटाई होती है, इसको इससे उनकी पिटाई करते हैं। इस काली डंडी से जब क्या कहते हैं बच्चों का लड़कियों का जो कान या क्या कहते हैं नाक छेदते हैं तो ये उसमें इसको डाल दिया जाता है, इससे क्या घाव नहीं, इससे घाव नहीं होता। इसके पीछे इधर देखिए आपको हरा दिख रहा है, इधर आपको सफेद दिख रहा है। तो इसको यदि आप हाथ के ऊपर ऐसे रखेंगे
और इसको ऐसे मारेंगे टैटू छप जाएगा। तो आपके हाथ में सफेद टैटू छप जाएगा आराम से। आराम से कोई नहीं बनता है, वो बेचारा थोड़ा सा ये गोरी है इसलिए नहीं आ रहा। मामा जी मामा जी ले ली। तो ये हमारी दाल खाना चुका है और यहाँ से सब लोग भाभी टांग, और ये है हमारा मस्त नजारा खाते हुए। तो गाइस आज का दी एंड होता है वीडियो के साथ में, तो देख बने रहिए। और ये हम बारात के लिए जा रहे हैं, सारी बारात जा रही है।